नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। दोस्तों आज डेट है 21 जनवरी 2024 और अभी भी जम्मू में कोई बारिश वगैरह हुई नहीं है और सड़कों पे अभी इतनी धुंध फैली हुई है, ये देखिए आप, मतलब इतनी गहरी धुंध है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। और जो भी यहाँ पे आए तो ड्राइविंग प्लीज़ केयरफुली कीजिएगा। तो अब आज हम निकले हैं पहाड़ों की सैर में, वो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कि मौसम कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आपका एक कमेंट चाहे ठीक है खराब, हमें शक्ति देता है कि हम अपनी पुरानी गलतियां सुधार के अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सके। फ्रेंड्स, ये जो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये रास्ता पड़ता है NH44 जम्मू सिदड़ा नेशनल हाईवे और ये रास्ता वैष्णो देवी को भी जाता है, ये रास्ता श्रीनगर भी जाता है और जो जम्मू वासी हैं उनका ये फेवरेट रास्ता है कि कोई भी आउटिंग करने निकलता है तो इसी रोड से निकलता है और ये पूरी रोड यहाँ से घूम के सिटी को भी जाती है और सीधी दिल्ली भी यही रोड जाती है। और ये देखिए इस रोड पे तिरुपति बालाजी का भी मंदिर इसी रोड पे है। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं तो वापसी पे या जाते समय तिरुपति बालाजी के मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम जम्मू सिटी से बाहर निकले थे तो वहाँ इतनी धुंध थी, अब जैसे ही हम सिटी के बाहर आए हैं और ये देखिए मौसम हल्का सा क्लियर हो गया है और ये बड़ा ही मज़ेदार वेदर है। कहीं धुंध आ रही है, कहीं आपको सूरज की रोशनी दिख रही है और ये देखिए सिदरा रोड, ये इस रोड पे यहाँ से बेस्ट लोकेशन पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है रोड के हिसाब से। यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे आप जहाज से जा रहे हो कहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी फिर इतनी गहरी धुंध हो गई है और इस जगह से जो हम निकल रहे हैं इसी जगह पे जम्मू का गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स सिदड़ा। तो ये देखिए इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये बिल्कुल ये इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना ओपन एरिया है, इसके साइड पे बिल्कुल तभी रिवर लगती है और ये बहुत ही कमाल की लोकेशन है। और अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये आपका तभी के ऊपर जो पुल बना हुआ है इसे ये यहाँ से देखिए आप नज़ारा, मतलब साइड से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी धुंध है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से दूसरा रास्ता है जो जम्मू सिटी से इस हाईवे से कनेक्ट होता है, पहले लोग यहाँ से ही जाते थे सिटी से। और ये देखिए आप, अब हम श्रीनगर हाईवे पे पड़ चुके हैं। ये देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स ये है जम्मू का जू, जम्बू जू, ये काफी देर से इनॉग्रेट हो चुका है, अभी हमने इसकी अभी वीडियो बनाई नहीं है तो ये भी आपको बीच में दिखाएंगे। तो अभी आप रास्ते का मजा लीजिए इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का। दोस्तों अभी हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, इस जगह का नाम है जगती और यहाँ पे जितने भी आपके IIT IIM इंस्टीट्यूट जो हैं जम्मू के वो यहीं पे बने हुए हैं। ये बहुत ही एक खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है और अब आप देखिए आगे ये वाली जो रोड है, अभी आप यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी खाने के अच्छे रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स वो सब यहीं पे हैं और सुबह और शाम स्पेशली सैटरडे संडे यहाँ पे काफ़ी रश होता है क्योंकि जम्मू वासी जितने भी हैं और वो आउटिंग के लिए इस मतलब इन्हीं जगहों पे आना पसंद करते हैं क्योंकि ये सिटी से नज़दीक भी काफ़ी है और थोड़ा बाहर भी है। और सामने अभी आप देखिए जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये IIM की बिल्डिंग है,
ये बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है और ये काफी स्पीड से काम हुआ है इस जगह का। और एक हाई क्लास स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो अब जम्मू में खुल गए हैं वो देखिए सामने बिल्डिंग, ये IIM की बिल्डिंग है। और ये देखिए गोल घुमावदार सड़कें, इस जगह का जो आनंद है अलग है बिल्कुल। बाकी ये है कि यदि आप पहाड़ों पे पहली बार गाड़ी लेके आ रहे हैं तो कृपया बड़ी ध्यान से गाड़ी चलाइए। ये देखने में टर्न तो आपको बड़े इजी लगते हैं मगर इनमें अगर आप हल्की सी भी असावधानी बरतेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। और ये जगह देखिए, ये जगह सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे काफी लोग रुक के यहाँ पे सेल्फीज वगैरह खींचते हैं। वो देखिए सामने लोग गाड़ी रोक के कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई नाच रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक अलग किस्म का ही एक माहौल होता है। माता वैष्णो देवी के रास्ते में ये एक ही टोल प्लाजा है, ये देखिए बन टोल प्लाजा का नजारा। वो देखिए वो सामने देखिए ये बंदर गाड़ी के ऊपर बैठा है और गाड़ी के शीशे से झांक रहा है, ये देखिए क्या बात है। देखिए फ्रेंड यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की टनल तो स्टार्ट हो जाती हैं, ये सबसे पहली टनल है और ये टू वे टनल है, ये जाने वाली है और दूसरी साइड पे बनी है वो वापस आने वाली, मतलब यहाँ पे वन वे टनल नहीं है, यहाँ पे टू वे टनल है। और ये देखिए टनल भी इन्होंने काफ़ी वेल मेंटेन्ड की हुई है, साफ सफाई है, लाइटें जगा रखी हैं। और एक चीज़ है टनल में लिखा है कि आपको हार नहीं मारना, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे जानबूझ के टनल के अंदर आके हार मारने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये देखिए यहाँ से गाड़ी थोड़ा सावधानी से चलाएं क्योंकि रास्ते में सड़क के ऊपर काफ़ी बंदर वगैरह रोड के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आप ब्रेड केले बिस्कुट इन बंदरों को फेंकते हैं रोड के ऊपर ही, तो जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो कृपया ये चीज़ मत कीजिए। दोस्तों अब ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है सुकेतर, और इस जगह पे आपको खाने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए दत्ता वैष्णो ढाबा, शर्मा वैष्णो ढाबा हवेली, वो सामने देखिए मैकडोनल्ड, और काफ़ी इधर फूड ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और काफ़ी अच्छा इधर लोग यहाँ पे काफ़ी आउटिंग करने जम्मू से भी आते हैं और जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी रुकते हैं। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुल चुके हैं। और बस आप जैसे ही ये जगह क्रॉस करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड को जो रास्ता मुड़ता है, ये देखिए रास्ता, ये माता वैष्णो देवी को टर्ना है, यहाँ से निकलता है वैष्णो देवी जी का रास्ता, जय माता दी। और एक रास्ता इस जगह का नाम है दुमेल, और एक रास्ता जो आगे थोड़ा नीचे जाके भी निकलता है उसको बोलते हैं लोअर दुमेल, ये अपर दुमेल है, वो लोअर दुमेल है। देखिए फ्रेंड ये रास्ता मेन रोड से हटके, पहले यही मेन रोड होती थी, यहाँ पे बड़ा ही प्राचीन माता महाकाली जी का मंदिर है और यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं ट्रक्स हैं वो सब रुक के माता जी का आशीर्वाद लेके प्रसाद लेके ही आगे जाते हैं। और ये देखिए इसके नीचे बड़ा प्राचीन मंदिर है, ये बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत लोकेशन है। ये देखिए आप ये सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और वो देखिए सामने कितनी अच्छा मंदिर है, ये देखिए।
फ्रेंड्स अब हम उधमपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ के खूबसूरत रास्तों का नज़ारा तो अभी आपने देखा, बड़े अच्छे हाईवेज बने हुए हैं, बड़े अच्छे ब्रिजेस बने हुए हैं और आप यहाँ पे देखिए कितनी धूप खिली हुई है, इतनी खिली धूप है पहाड़ी इलाकों में और सिटी में, जम्मू सिटी में तो बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। और अभी हम उधमपुर से थोड़ी दूरी पे ही हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे जो सबसे पहला सिटी आता है, जो जिसको बड़ा सिटी कहते हैं, वो उधमपुर टाउन है। और उधमपुर टाउन जो जम्मू से अप्रॉक्सीमेट 66 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और इससे आगे जो अगला जो टॉप है वो पत्नीटॉप है, जो पत्नीटॉप उधमपुर से कोई अप्रॉक्सीमेट 46 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये देखिए फ्रेंड, अभी हम यहाँ से उधमपुर एंटर कर रहे हैं। ये जो सीधा रास्ता है ये श्रीनगर को चला जाता है और हमको जाना है उधमपुर, तो हम इधर से लेफ्ट टर्न लेके अब हम उधमपुर सिटी की ओर जा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे उधमपुर सिटी के नज़ारे और यहाँ की सबसे मशहूर जो चीज़ है वो है कलाड़ी। और ये देखिए फ्रेंड, उधमपुर की सब्जी मंडी, यहाँ पे आपको सब्जी फ्रूट हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और साथ ही बस अड्डा भी है उधमपुर का और यहाँ पे काफ़ी रश होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम उधमपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं और ये देखिए यहाँ की चहल पहल। और जो उधमपुर की जो मार्केट है ये संडे को ओपन रहती है और मंडे को क्लोज होती है। तिरंगा टंकी के ऊपर। और ये देखिए सामने जो कल इन्होंने चौक सजा रखा है, जैसे जो कल 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर का जो फंक्शन है उसी के उपलक्ष में यहाँ पे भी काफ़ी तैयारी की गई है। ये देखिए मेरे सामने देख रहे हैं आप, और ये उधमपुर का मेन चौक है। और ये देखिए सामने साथ में सिंह कलाड़ी हाउस, ये कलाड़ी की सबसे पुरानी दुकान है। दातन की लाए फ्रेंड, ये देखिए ये दातन होती है, ये अखरोट की दातन है ना, ये अखरोट की दातन है। और ये इससे क्या है कि आपके जो दांत हैं इसको गीला करके इस्तेमाल करना पड़ता है और इससे आपके दांत बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जय श्री राम के जनकारे गाते हुए अभी हम उधमपुर से वापस जा रहे हैं और नगरोटा पहुंचे हैं वापस। और ये देखिए उधर धूप खिली हुई थी और यहाँ पे देखिए दोबारा धुंध आनी शुरू हो गई है। ये देखिए सामने रोड के ऊपर इतनी धुंध है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम का ऐसा उल्टा असर हो गया है कि पहाड़ी इलाकों में धूप निकली हुई है और मैदानी इलाकों में इतनी धुंध और कोहरा और सर्दी है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो सामने वाला रास्ता नेशनल हाईवे को मुड़ जाता है और हम मुड़ रहे हैं
जम्मू सिटी की ओर। ये देखिए यहाँ से जम्मू सिटी को रास्ता जाता है, बड़ा अच्छा एंट्रेंस गेट बना रखा है इन्होंने। और मौसम देखिए यहाँ पे क्या बात है, यकदम ही मौसम ठंडा हो गया। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो का अंत करता हूँ, और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।